हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्कैल्प्ड बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि डिजाइन किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कार्डिगन बना रही हूं और मैंने इसमें इसे स्कैल्प्ड बॉर्डर के तौर पर बनाया है। आप इसे चाहो तो पूरी जैकेट में या कार्डिगन में बना सकती हैं, ये आपकी जो है अपनी चॉइस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इसे बॉर्डर के तौर पर बनाना चाहती हैं, रेडीमेड लुक देना चाहती तो आप इस तरह से इसके तीन पोर्शन बना के बॉर्डर के तौर पर बना सकती हैं, तो बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाना बहुत ईजी है। दूसरा फ्रेंड, देखिए ये जो डिजाइन है हमारा, मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि इसको सेट कैसे करना होता है। ये डिजाइन हमारा 21 के मल्टीपल के हिसाब से सेट होता है। ये जितने भी हमारे पार्ट बने हुए हैं, ये 21-21 फंदे से बनते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास क्या ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, जैसे हम फंदे डाल रहे हैं, हमने नॉर्मल हेल्थ के हिसाब से बनाना है या एक्सेल साइज में, डबल एक्सेल साइज में, तो फंदे हमारे कम या ज्यादा होते हैं। उसके लिए आप चिंता ना करें, आपने जितने भी फंदे डालने हो आप उतने अपने हिसाब से, अपनी वूल के हिसाब से और अपनी हेल्थ के हिसाब से अपने फंदे रखिएगा। उसके बाद आप बीच वाले पार्ट के गिनिएगा कि कितने इसमें पार्ट बनेंगे 21-21 के हिसाब से। अगर आपके 8 या 10 फंदे आपके ज्यादा बचते हैं तो आप उन्हें साइड में ले लीजिएगा, फिर भी ये डिजाइन बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी, बहुत अच्छा बनेगा। तो हम उन्हें साइड में ले सकते हैं, दोनों तरफ करके इसकी लुक भी अच्छी आएगी और हमारा जो है साइज भी बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरीके से बनाया जाता है देखिए फ्रेंड्स, इसे वह जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं 44 फंदे, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो फंदे तो साइड में होने ही होने चाहिए, दो इधर होने चाहिए, तो दो इधर के और 21-21 फंदे मैंने बीच के हिसाब से डालकर इसमें मैंने लिए हैं पूरे 44 फंदे। 44 फंदे डालकर देखिए, ये हमारी फंदे डालने हैं हमने, तो इधर से हमारा जो सीधा हिस्सा होता है इस डिजाइन में, ये वाला हमारा उल्टा हिस्सा बनेगा, और जो ये उल्टा हिस्सा होता है ये इस डिजाइन में हमारा सीधा बनेगा। तो आपने क्या करना है, फंदे डाल करके पहली सिलाई सीधी साइड से आपकी सीधी बनानी है, जो हमारा इसमें उल्टा पार्ट बनेगा। तो मैंने इसकी जो है एक सिलाई सीधी सीधी बना करके कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई फ्रेंड्स सीधी साइड मानी जाएगी इसकी, जो फंदे डालने के बाद उल्टी लाइन है वो हमारी सीधी मानी जाएगी और ये फंदे वाली उल्टी मानी जाएगी। तो हमने पहली सिलाई उल्टी साइड से सीधी बना करके कंप्लीट कर ली है। अब आज ये इसकी दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई फ्रेंड्स इसकी उल्टी बनेगी। इस तरह से धागा अपनी तरफ करके आपने सारे फंदे जितने भी हैं उन्हें उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप बुनते हुए जाइएगा और इन्हें उल्टा बना लीजिएगा। तो ये मैं सारी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई सीधी साइड से हमने उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई हमारी उल्टी साइड है, इसे हम पूरा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से धागा पीछे और इस तरह से सिलाई डालते हुए पूरी सिलाई आप अपनी सीधी बना लीजिए, धागा पीछे और अपने सारे फंदे सीधे बना लीजिए। तो मैं ये सिलाई तीसरी सीधी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, तीसरी सिलाई इसकी उल्टी साइड से हमने सीधी बना करके कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पे और चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई पर अब हमारा ये डिजाइन शुरू होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दो फंदे हमने एक्स्ट्रा इधर के रखे थे और एक्स्ट्रा दो इधर के रखे थे, बीच में हमने 21 के हिसाब से फंदे रखे हुए, तो हम सबसे पहले जो है अपने ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे कर लीजिएगा इस तरीके से, धागा आगे करके अब 21 फंदे हमने सीधे बनाने। देखिए एक, ये एक फंदा बन गया और यहां पर हमारी एक जाली बन गई। अब हमारा देखिए दो धागा पीछे रहे और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये देखिएगा हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21।
देखिए फ्रेंड्स 21 फंदे सीधे बना करके धागा आगे कर लीजिएगा और फिर से 21 फंदे सीधे बना ले हैं, दो और ये तीन। अब यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए ये जो पैटर्न हमारा इस तरीके से बनता है, यहाँ पर हमने दो फंदे अपने सीधे बनाए, धागा आगे किया, यहाँ पर जाली बन गई और 21 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर से धागा आगे करके जाली बन जाएगी यहाँ पर और 21 फंदे आप सीधे बना दीजिएगा, फिर से धागा अपनी तरफ घुमा लीजिएगा और 21 फंदे आप सीधे बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर धागा आगे करके जब हम सीधा फंदा बनाते हैं तो यहाँ पर एक जाली बन जाती है। इस तरीके से आप अपने जितने भी आपके फंदे हों आप इसी तरह से धागा आगे कर लीजिएगा और 21 फंदे सीधे बना लीजिएगा। अब ये हमारे लास्ट के दो फंदे रहने तक ये मेरे बीच के 21 फंदे मैं सीधे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जाली बनाने के बाद 21 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। आपके जितने भी फंदे हों इस तरह से आप बनाते जाइए, यहाँ पर लास्ट के दो तीन चार जितने भी आपके हों उतने बनाने के बाद एक जाली बनेगी धागा आगे करके, फिर 21 फंदे सीधे, धागा आगे करके जाली बनेगी, फिर 21 फंदे सीधे। लेकिन जब आप लास्ट के इस तरह से कोने पर आओगे 21 फंदे बनाने के बाद, आपके जितने भी फंदे बचेंगे यहाँ आपने जाली नहीं बनानी है, अगर दो है तो दो और तीन है तो तीन आप उन्हें सीधे ही बना दीजिएगा इस तरीके से। अब आ जाइए फ्रेंड्स इसकी पांचवी सिलाई पर और उल्टी साइड, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि इस डिजाइन की एक एक सिलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ से ये डिजाइन हमारा बनके कंप्लीट होता है। अब कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दो फंदे हैं हमारे इन्हें हम पहले उल्टा बनाएंगे, एक और ये दो, देखिए ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं जो हमने उल्टे बना लिए। अब आगे हमारे ये जो 21 फंदे हैं इनके हम पार्ट्स बनाएंगे, देखिए जैसे ये बने हुए हैं ये आपको बड़ी बड़ी सी फलियां दिख रही होंगी, ये वाले पार्ट्स अब हमारे उल्टी साइड से शुरू होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 21 फंदे में से ये पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, धागा आगे घुमा लीजिएगा और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर से धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, धागा आगे घुमा लीजिएगा और एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे कीजिएगा और तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 21 फंदे में से लास्ट का फंदा है, क्योंकि यहाँ हमारी जाली है तो ये हमारा लास्ट का है, धागा आगे कीजिएगा और ये वाला फंदा हम उल्टा बना देंगे। अब ये जो हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। अब फिर से हमारा यही 21 फंदे वाला जो है प्रोसीजर शुरू होगा, इसके भी हमने इसी तरह से पार्ट्स बनाने, देखिए पहला फंदा हम उल्टा लेंगे, धागा पीछे तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, धागा आगे कीजिएगा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन फंदे सीधे, देखिए दो बन गए और ये हमारा तीसरा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके दो फंदे, धागा पीछे करके तीन फंदे आप सीधे बनाएंगे। इसके इसी तरह से आपके जितने भी आपके पार्ट होंगे इसमें जैसे हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, आपको इसी तरह से इनके पार्ट बना लेना है, एक फंदा उल्टा उल्टी साइड से और तीन फंदे सीधे, धागा पीछे देखिए तीन फंदे सीधे और धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन फंदे आपके देखिए सीधे, एक फंदा धागा आगे करके, देखिए यहाँ हमारी जाली है और ये हमारा लास्ट का फंदा है, ये हमारा उल्टा बनेगा, ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा ये भी उल्टा बनेगा और ये जो एक्स्ट्रा कोने के हैं ये भी उल्टे ही बनेंगे। अब आ जाइए फ्रेंड्स इसकी जो है सीधी सिलाई पर और छठी सिलाई पर। अब आपने कैसे करना है यहाँ पर देखिएगा, आप ये जो दो फंदे हैं हमारे एक्स्ट्रा इनको हम सीधा बनाएंगे, इस तरह से आप इन्हें सीधा बना लीजिएगा, ये जो जाली से बढ़ा था इसको भी आप सीधा बना लीजिएगा। अब धागा आगे कर लीजिएगा और ये फंदा आप सीधा बना लीजिएगा, देखिए धागा आगे है और इस तरीके से आप सीधा बना लीजिएगा, ये फंदा सीधा बन गया और एक जाली और बन गई,
धागा आगे और तीन फंदे हमने उल्टे बनाने थे, एक दो और ये तीन, धागा पीछे, ये वाला फंदा हमारा अब सीधा, धागा आगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। अब धागा पीछे कर लीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से, और आप अपना एक फंदा ये सीधा बना लीजिएगा, धागा आगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, धागा पीछे कर लीजिएगा और ये वाला फंदा हमारा एक सीधा, फिर से धागा आगे और तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। यानी फ्रेंड्स जो हमने उल्टी साइड से वहां पर एक फंदा सीधा और तीन उल्टे किए थे, वो फंदे अब सीधी साइड हमारे एक फंदा सीधा हो गया है और तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। अब धागा आगे कीजिएगा, देखिए आगे के, एक दो और ये तीन फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे और ये लास्ट का फंदा देखिए हमारा, इन 21 में से ये लास्ट है, इसे हम सीधा बनाएंगे। अब ये जो हमारी जाली है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जाली इसके इधर बनेगी और एक इधर बनेगी, तो धागा आगे कीजिएगा, देखिए हमने एक जाली बनाई, धागा आगे कीजिएगा, ये फंदा हमने सीधा बनाना है, ये 21 में से पहला फंदा है नेक्स्ट वाले पार्ट का, तो धागा आगे और इसे हम सीधा बना देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे तीन फंदे बढ़ चुके हैं बीच में, अब धागा आगे तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा और तीन फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, अब फिर से धागा पीछे और एक फंदा हमारा ये सीधा, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, देखिए इस तरह से, धागा पीछे, एक फंदा हमारा सीधा, धागा आगे, तीन फंदे हमारे उल्टे। अब देखिए धागा पीछे कीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोने पर अब हमारे तीन फंदे सीधे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये वाला 21 में से, ये हमारे 20 इधर बन गए, ये 21वां फंदा, तो इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे कर लीजिएगा, अब एक जाली इस कोने पर आप बना दीजिएगा। ये देखिए हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 7वीं सिलाई फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या करना है, जो फंदे आपके उल्टे हों तो आप उन्हें उल्टे बनाइएगा और जो आपके सीधे दिख रहे हों उन्हें आप सीधे बना दीजिएगा। देखिए एक, ये दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे वो एक, ये हमारा जाली से बढ़ गया तीन, और ये फंदा हमारा देखिए 21 में से इस साइड से सीधा है, इधर साइड से पहला फंदा है तो उल्टा है, धागा पीछे और तीन फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और तीन फंदे आपके सीधे। ये हमारी जो है उल्टी साइड की सिलाई है और हमारी ये 7वीं सिलाई है। अब देखिए एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, ये बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कोई ज्यादा मुश्किल डिजाइन नहीं है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे हमारे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, अब धागा आगे, ये वाला फंदा हमारा उल्टा। अब यहाँ देखिए ये जो हमारे जाली के फंदे होते हैं, एक ये जाली बीच का, ये हमारे उल्टी साइड में उल्टे ही बनेंगे। देखिए ये हमारे तीन फंदे हो चुके हैं फ्रंट जाली से, तो इनको हम बना लेते हैं, एक और ये दो और ये तीन। देखिए पहले हमने एक जाली बनाई थी, फिर दो हुई तो तीन फंदे हो गए, ये 21 में से पहला फंदा उल्टा है। अब आगे के इसी तरह से हमने बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पे और 8वीं सिलाई पर। अब कैसे करना है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दो फंदे हैं हमारे इन्हें हम सीधा बनाएंगे, एक और ये दो। यहाँ पर देखिए ये दो फंदे सीधे बन गए और ये फंदा भी हम तीसरा जो जाली से बढ़ गया था स्टार्टिंग में, अब तीन फंदे सीधे हो गए,
यहाँ पर हमने दो जाली बनानी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए इस फंदे के इधर से हम धागा आगे करेंगे और इसके ऊपर सीधा बनाते हुए एक जाली बना देंगे, धागा आगे करेंगे। और ये देखिए ये जो फंदा है अब हमने इसमें कम करने हैं, तो आप जो है धागा आगे कर लीजिएगा और इस सीधे फंदे को पलट के ऐसे सिलाई में ले लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे नहीं पलटेंगे तो जो ये हमारे पार्ट्स बने हुए हैं ये सीधे नहीं बनेंगे, ये मुड़ जाएंगे, इसलिए ये फंदा हमें पलटना पड़ेगा। धागा आगे कर लीजिएगा और फंदा पलट दीजिएगा। अब पीछे से देखिए इस तरह से सिलाई डालिएगा और इसके साथ ये जो तीन फंदे हैं ना आगे वाले, इनमें से एक फंदा ले लीजिएगा और इस तरह से दो का एक करेंगे तो हमारी देखिए यहाँ पर जाली भी बन गई है यहाँ, और दो का एक हो गया। धागा आगे, अब दो फंदे उल्टे क्योंकि एक फंदा तो हमने कम कर दिया है। अब फिर से जो है देखिए हम फंदा पलटेंगे, धागा हमारा आगे ही रहे और देखिए इसे पहले पलट देंगे, अब धागा पीछे कीजिएगा और इस पलटे हुए फंदे के पीछे से ऐसे सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना दीजिएगा। अब देखिए धागा आगे और दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे और इस फंदे को फिर से हम सीधे वाले को पलटेंगे और ऐसे सिलाई पर लेंगे। अब पीछे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, देखिए इस तरह से। अब धागा आगे दो फंदे उल्टे, और ये वाला जो हमारा सीधा फंदा है इसे फिर से इस तरह से सिलाई पर उतार लीजिएगा और इसको पलट दीजिएगा, क्योंकि ये फंदा हमें पलटना पड़ता है। धागा पीछे करके और पीछे से सिलाई डाल के दो का एक बना दीजिएगा, देखिए इस तरह से ये हमारी जो है सीधी लाइन हो जाती है पलटने से। अब देखिए धागा आगे कीजिएगा और दो फंदे उल्टे, एक और ये दो। अब फिर से देखिए हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा सीधा फंदा इसे इस तरह से लेंगे और इस सिलाई पर लेकर पलट देंगे, इसको हमने पलटना है। और उसके बाद देखिए इस पलटे हुए फंदे के आगे से ऐसे देखिए पिछली साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे, इस तरह से बनाने से ये फंदा हमारा सीधा हो जाता है। धागा आगे और दो फंदे उल्टे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट का फंदा है, आगे हमारे जाली वाले हैं, तो धागा पीछे करेंगे और इस लास्ट फंदे को हम सीधा बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखिए चार जाली बनेंगी हमारी, धागा आगे किया और देखिए एक, धागा आगे और ये दो, धागा आगे करके ये फंदा हम सीधा बनाएंगे तो हमारी जाली होगी तीन। अब धागा आगे कीजिएगा और देखिए ये 21 फंदे वाला अब घटाने वाला प्रोसीजर शुरू होगा, तो ये 21 में से पहला फंदा है, इसे इस तरह से लेकर के इस फंदे को पलट दीजिएगा, धागा आगे रहे और पीछे से सिलाई डाल के दो का एक सीधा फंदा बना देंगे तो हमारी यहाँ पर जाली बन गई। अब बीच में यहाँ चार जाली बनेंगे, आपके जितने भी इस तरह से ये पोर्शन होंगे इसी तरह से आपके यहाँ चार जाली यही आपको रिपीट करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब फिर से देखिए धागा आगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को इस तरह से उतार के पलट के वापस डाल देंगे सिलाई पर, फंदा हमारा पलटा गया, धागा पीछे करके पीछे से सिलाई डाल के दो का एक बना देंगे, धागा आगे कर लीजिए और दो फंदे उल्टे, और फिर से धागा पीछे कीजिएगा और इस वाले फंदे को आप पलट दीजिएगा ऐसे, और फिर से पीछे से सिलाई डाल के आप दो फंदे का एक बना दीजिएगा, धागा आगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिएगा और इस फंदे को आप ऐसे ले करके पलट दीजिएगा, और पलटने के बाद देखिए पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिएगा। अब फिर से धागा आगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिएगा और ये वाला फंदा ले करके ऐसे और इसको इसी सिलाई में डाल देना पलट करके, पीछे से सिलाई डालेंगे और हम दो फंदे का एक बना देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स फिर से हमने क्या करना है, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब आ गया हमारा लास्ट का 21 में से लास्ट का सीधा फंदा, धागा पीछे करेंगे और इसे हम सीधा बना देंगे। इस बार यहां भी हमारी दो जाली बनेंगे, तो धागा आगे करेंगे, देखिए
एक धागा आगे करके और ये दो जाले, और ये जो लास्ट का फंदा है इसे भी हम सीधा ही बना लेंगे। अब आ जाइए फ्रेंड्स इसकी नौवीं सिलाई पर। नौवीं सिलाई इसकी कैसे बनेगी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें जो हम फंदे बढ़ाते हैं यहाँ पर जाली के, वो अगली सिलाई पर भी हमारे बढ़ेंगे। तो देखिए अब कैसे करना है, नौवीं सिलाई है, उल्टी साइड है, ये हमारे इधर के जो उल्टे फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे, और जो आपको इधर सीधे फंदे दिखें वो आप सीधे बना लीजिएगा। नौवीं सिलाई इसकी बहुत ही आसान है। तो आपको देखिए ये स्टार्टिंग वाले हमारे अब फंदे हो गए हैं, दो चार और ये छह फंदे हमने इसके उल्टे बना लिए, धागा पीछे और दो फंदे सीधे, धागा आगे और देखिए ये हमारा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और दो फंदे सीधे। अब ये पूरी सिलाई हम अपनी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस सिलाई में जैसे फंदे आपको दिखें, उल्टे दिखें तो उल्टे और सीधे दिखें तो सीधे आपने बना करके कंप्लीट कर देने हैं। देखिए फ्रेंड्स आप आ जाइए इसकी सीधी साइड और दसवीं सिलाई। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है। देखिए अब हम यहाँ पर चार जाली बनाएंगे स्टार्टिंग में, ये दो फंदे हमारे जो एक्स्ट्रा वाले थे वो हमने बना लिए, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली जाली से फंदा बढ़ा था इसे भी हम बना लेंगे, यानी हमने तीन फंदे सीधे बना लिए। अब धागा आगे कीजिएगा, आपके यहाँ पर जितने भी आपने रखे हों वो आप लेकर के जो स्टार्टिंग का पहला जाली का बड़ा हुआ फंदा हो उसे भी बुन लेना, फिर आगे चार जाली बनेंगी। देखिए धागा आगे और एक, फिर से धागा आगे और ये फंदा सीधा बनाया तो दूसरी जाली, धागा आगे तो इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे तो तीसरी जाली, धागा आगे। अब यहाँ हमारी चौथी जाली बनेगी लेकिन फंदा भी कम करना है, तो इस फंदे को इस तरह से लेंगे और इस सिलाई पर ऐसे पलटकर डाल देंगे, तो ये फंदा हमारा सीधा हो गया। अब धागा आगे है, पीछे से सिलाई डाल के दो का एक, देखिए हमारी यहाँ चार जाली हो गई, एक फंदा अब उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे और पलट के डालेंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। देखिए इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स ये हमारी फलियां बिल्कुल सीधी बनती हैं। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिएगा और इस फंदे को इस तरह ले करके और इसको पलट दीजिएगा, फिर से धागा पीछे करके और पीछे से सिलाई डाल के दो का एक बना दीजिएगा, फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को ऐसे लेंगे और इस पर पलट के वापस डाल देंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का हम एक कर देंगे, ये फंदा हमें पलटना होता है, पलटने से ही सीधा बनेगा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे लीजिएगा और इसको इस सिलाई पर डाल दीजिएगा, ये हमारा सीधा हो गया। पीछे से सिलाई डाल के दो का एक बना दे उल्टा, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारी जाली है और ये इस 21 में से लास्ट फंदा आ जा, धागा पीछे करेंगे और ये फंदा हम सीधा बना देंगे। यहाँ हमारे फंदे कम होते हैं तो यहाँ हमारे जाली से बढ़ जाते हैं, तभी हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता है। अब धागा आगे करेंगे और यहाँ हमारी आठ जालियां बनेंगी। देखिए धागा आगे एक और धागा आगे करके दो, फिर से धागा आगे और ये तीन, फिर से आगे कर लीजिएगा आपने उनको, ये देखिए हमारी तीन होगी हैं और ये चार, फिर से धागा आगे कीजिएगा और ये पांच, धागा आगे कीजिएगा और ये छह, फिर से धागा आगे कीजिएगा और देखिए इस तरह से हम इसे बनाएंगे तो ये सात, धागा आगे कर लीजिएगा। अब ये आठवीं जाली बनने से पहले यहाँ फंदा कम होएगा तो इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे और इसको पलट के सिलाई में डालेंगे। देखिए धागा आगे है, पीछे से सिलाई डालेंगे और यहाँ हम दो का एक बना देंगे, यहाँ हमारी आठवीं जाली बन गई है और दो का एक हो गया है। अब धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे और इसको पलट के डाल देंगे सिलाई पर, पीछे से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे और दो का एक, धागा आगे करने के बाद एक फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे और इस सिलाई पर पलट देंगे और पीछे से सिलाई डाल के हम दो फंदे का एक बना देंगे।
धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे इस फंदे को लेंगे और इस तरह से पलट के डाल देंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे, फिर से धागा आगे घुमा लीजिएगा और एक फंदा आप उल्टा बनाइए, धागा पीछे इस फंदे को सीधे वाले को ऐसे लेंगे और इसको पलट के डाल देंगे, पलटने के बाद अब पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे और दो का एक कर देंगे। अब धागा आगे कर लीजिएगा, एक फंदा आपका उल्टा, और ये देखिए ये लास्ट वाला हमारा कोना है, ये फंदा हमारा 21वें फंदे में से है, इसे हम सीधा बनाएंगे और यहां भी हम चार जालियां बनाएंगे लास्ट में भी। देखिए धागा आगे एक, धागा आगे दो, धागा आगे कीजिएगा और जब फंदे को सीधा बनाएंगे तो हमारी ये तीसरी जाली, धागा आगे और अब ये देखिए ये हमारी चार जाली और ये लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है इसमें 10 सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई है। आपके जितने भी ये पोर्शन हो आप इसी तरीके से बनाते जाइएगा, बीच में हर इसके ऊपर 10वीं सिलाई में 8 जाली बनेंगे। अब आ जाइए इसकी 11वीं सिलाई, 11वीं सिलाई पर हमने ऐसे ही करना है, जो फंदे आपके उल्टे हैं उन्हें आप उल्टा बना लीजिएगा और जो फंदा आपको सीधा दिखाई दे उसे आप सीधा बना लीजिएगा, क्योंकि इस बार बाकी तो हमारे सारे फंदे उल्टे ही हैं, एक एक फंदा ही ये बीच बीच का सीधा बचा हुआ है, तो मैं ये सिलाई बना लेती हूँ 11वीं सिलाई। देखिए फ्रेंड्स अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर और इसकी हमारी ये 12वीं सिलाई शुरू होती है। अब हमने यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ 10वीं सिलाई तक हमारे फंदे बढ़ते हैं, 11वीं सिलाई में जैसे फंदे दिखे उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे उल्टी साइड से बना लीजिएगा। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड पर कैसे करना देखिए, एक दो तीन चार पांच और ये 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दो तो हमने एक्स्ट्रा लिए हुए थे और 8 हमारे जाली से बड़े हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, धागा पीछे रहे, सारी सिलाई हमारी सीधी बनेगी, बस बीच में से हमने ये फंदे कम करने रह गए हैं, तो इस वाले फंदे को हम सीधा करेंगे इस तरह से सिलाई पर और पीछे से इसमें सिलाई डाल लेंगे ऐसे और यहाँ हम दो का एक करेंगे, धागा पीछे ही रहे, इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे और इसको हम पीछे से सिलाई डाल के एक फंदा बना देंगे, ये पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी, धागा पीछे रहे और देखिए इस तरह से इसे पलटेंगे और अगला फंदा इसके साथ लेकर के दो का एक करेंगे, ये वाला फंदा भी हम इस तरह से लेंगे और इसको पलट के दो का एक करना है, इसके आगे वाला फंदा इसके साथ ले लेंगे, इस वाले फंदे को भी फिर से हम सीधा करेंगे और इस तरह से देखिए हम पलट के पीछे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा लास्ट का फंदा है और यहाँ से हमारी जाली शुरू होनी है, तो ये लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब ये बीच में हमारे जो जाली से बढ़े हुए फंदे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये हमारे 15 फंदे होंगे। आपके ये जितने भी बनेंगे जब आपकी 12वीं सिलाई आएगी ये बीच के आपके 15 15 ही फंदे होंगे, देख लेना आपको कोई फंदा कम ना हो तो गिन के देख लेना, ये 15 फंदे होंगे। अब आगे फिर से हमने देखे ये फंदे कम करने हैं, धागा पीछे ही रहे और इस वाले फंदे को हम इस तरह से लेंगे और पलट के सिलाई में डाल देंगे, अब पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, इसे हम इस तरह से लेंगे सिलाई पर और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर से इसे हम लेंगे और इसको पलट देंगे, पिछली साइड से हम सिलाई डालेंगे इस तरह से और दो का एक कर देंगे, इस फंदे को लेंगे और इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे, पीछे से हम सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से इसे भी ऐसे ही लेंगे और इन सारे फंदों को ऐसे बना देंगे। अब ये लास्ट का फंदा है और आगे जाली वाले फंदे हैं, ये आगे के सारे फंदे अब हमारे सीधे बनेंगे। फ्रेंड्स
हमारी 12 सिलाई बन चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी 13वीं सिलाई और उल्टी साइड। ये इस डिजाइन की बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलाई है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। देखिए ये हमने एक और ये दो फंदे हमने जो है एक्स्ट्रा डाले हुए थे वो बना लिए, और 8 फंदे हमारे जाली के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, क्योंकि एक साइड फ्रेंड्स हमारे जाली के जो है बढ़े हुए 7 फंदे होंगे जब हम उल्टी साइड से बुनना करेंगे तब, लेकिन इस साइड हमारे जाली से 8 होंगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ तो हम जाली बनाते हैं लेकिन यहाँ नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ बनाने से हमारा एक फंदा जो है जितने डाले से उनसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ हमारे 7 होंगे जाली के बढ़े हुए, यहाँ 8 होंगे। तो ये 7 फंदे और 2 ये एक्स्ट्रा, 9 हमारे फंदे बन चुके हैं। अब ये देखिएगा, ये हमारे सीधे सीधे जो आपको लाइनें नजर आएंगी, ये हमारी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी यहाँ पर 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इन 6 में से हमने 4 फंदे बीच के बाइंड करने हैं, बांधने हैं। मतलब देखिए अब क्या करेंगे हम, पहले 5 फंदे इनमें से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए इन 6 में से जब एक आपका रह जाए, इसको छोड़ देना, इसको नहीं बनाना, पहले 5 बना लेना। अब आप एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेना इस तरह से, इनको यही छोड़ना, और ये देखिए इनमें से 1, 2, 3 और ये 4 फंदे इस तरह से इस सिलाई में ले लीजिएगा आप। इस सिलाई में लेने के बाद देखिए एक फंदा इनमें से इधर रह गया और एक उधर हमारा रह गया, तो ये 4 फंदे लेकर के इन चारों को इस तरह से पकड़ के ये धागा इस तरह से घुमाइए इसके, ऐसे देखिए, एक थोड़ा टाइट करके घुमा लीजिएगा, फंदे हमने बांधने हैं। देखिए ये हो गया हमारा 2 और एक बार और घुमा देते हैं, ये हमारा हो गया 3। 3 बार घुमाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो फंदे हमारे हैं इन्हें हम वापस इन चारों को थोड़ा आप देखिए ऐसे कर लिए, क्योंकि हमने टाइट बांध दिए हैं तो थोड़े मिल गए हैं, आप ऐसे एक एक करके अब इन चारों को इस सिलाई में ले लीजिएगा। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये फंदे हमारे बंध गए हैं यहाँ पर, और चारों वापस उसी सिलाई में ले लीजिएगा, सिलाई को रख दीजिएगा। और अब आगे के देखिए, ये फंदा और ये बीच के जाली के बढ़े हुए ये फंदे, और ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, ये एक फंदा रहने तक ये सारे फंदे पहले उल्टे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमने ये सारे फंदे उल्टे बना लिए हैं, सिर्फ ये एक हमारी फली रह गई है, इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। अब ये 4 फंदे आप इस तरह से इस सिलाई में उतार लीजिएगा, पहले 1, 2, 3 और ये 4। देखिए इस तरह से 4 फंदे हमने उतारे और इनको हमने इस तरह से लपेट के बांध देना है, इस तरह से घुमा लीजिएगा इस सिलाई के दोनों ओर से एक बार, और इस तरह से लेकर के देखिए इस तरह से ले आइएगा, ये 2 और एक बार और इस तरह से लेकर के ऐसे कर दीजिएगा, ये हो गया हमारा तीसरी बार। तीसरी बार घुमाते हैं तो देखिए धागा आगे ही आ जाता है। अब ये 4 फंदे आपने वापस से इसी सिलाई में डाल लेना है, क्योंकि हमने ये बनाए हुए हैं बाद में लपेटे हैं, तो देखिए इसी सिलाई में हमारे आगे। अब सिलाई आप रख दीजिएगा इसी तरह से, आगे के फंदे सारे उल्टे, जितने भी आपके पार्ट्स बने हों डिजाइन में आप उनको इसी तरह से ये बीच के 4 फंदे आप बाइंड ऑफ करते जाइएगा, यानी बंद नहीं करने हैं, हमने बांधने हैं, एक किस्म की हमने नोट लगा के उनको वापस ले लेना है। तो ये फंदे हमारे उल्टे, ये 13वीं सिलाई फ्रेंड्स इसकी पूरी उल्टी बनती है। अब आ जाइए इसकी 14वीं सिलाई पर, क्योंकि डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट जो डिजाइन होता है फ्रेंड्स वो हमारा उल्टी साइड से ही शुरू होता है, तो एक सिलाई हम इसमें सीधी बना देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, धागा पीछे और ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 फंदे हमने देखिए ऐसे धागा ऐसे घुमाकर लपेटा था, तो ये यहाँ पर बहुत टाइट हो चुके हैं। अब आप इन्हें देखिए एक एक करके बनाइएगा गिन के, क्योंकि यहाँ 2 का 1 हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट का जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उसमें हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि फंदे कम हो जाएंगे। देखिए 1 बन गया, ये हमारा 2, 3 और ये 4।
अब देखिए आगे के फंदे फिर से हम अपने सीधे बनाएंगे सारे, और जब ये चार फंदे आएंगे इन्हें भी एक एक करके आप खोल के गिन के आराम से बनाइएगा, नहीं तो यहाँ फंदा कम हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक पार्ट ये बनके तैयार हो गया है। 13 सिलाई में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसका पोर्शन बनाने के लिए हमें 14वीं सिलाई सीधी साइड से सीधी बनानी पड़ती है। अब ये दूसरा पार्ट शुरू करने के लिए उल्टी साइड से पहली सिलाई आप सीधी बनाइएगा, दूसरी हमारी उल्टी, तीसरी हमारी सीधी, चौथी साइड से फिर से हमारा इसी तरह से बनेगा। अपने फंदे यहाँ से बनाइए, एक धागा आगे करके जाली और 21 फंदे सीधे, इसी तरह से ये डिजाइन हमारा कंप्लीट होएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, डिजाइन बनाकर बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।